91 की डिस्प्ले चेंज और फुल बॉडी चेंज। दोस्तों पहले हम इसके सब खोलेंगे पत्ते छत्ते, इसके जो हमारे पत्ते छत्ते हैं ध्यान से खोलना है, इसके ऊपर नट भी लगे वो ध्यान से खोलने हैं, अगर जल्दबाजी करेंगे तो कुछ भी टूट सकता है, इसलिए बड़े प्यार से खोलना है इसको। हमने इस टाइप से हम खोलेंगे इसको, पत्ता खोल दिया हमने, ये साइड पे इसका वॉल्यूम बटन ऑन ऑफ बटन होते हैं, इनको भी निकाल लेना है हमने। इस तरह से इसका मेन बोर्ड बाहर निकाल लिया, स्पीकर ग्रिल होती है, स्पीकर होता है ऊपर, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे बड़े प्यार से। ये निकाल लिया हमने स्पीकर को, ये बाहर आ गया हमारा स्पीकर, ठीक है। इस टाइप से हम स्पीकर बाहर निकाल लेंगे, ये हमारा मेन बोर्ड का पत्ता है, जो कि हमारा रिंगर को हमारे यहाँ से साउंड आती है उसको, और चार्जिंग बोर्ड को जाता है, और उसमें साथ में एंटीना वायर होगी पतली सी, जिससे कि नेटवर्क हमारे आते हैं, अगर नेट वायर कहीं ब्रेक हो जाए तो नेटवर्क का इशू बन जाता है, नेटवर्क नहीं आते हैं इससे। ये ध्यान से खोलना है कि नेटवर्क वायर कहीं ब्रेक ना हो, और जो मेन पत्ता है जो हमारे मेन बोर्ड से चार्जिंग बोर्ड को कनेक्ट करता है, उसको भी ध्यान से खोलना है, कहीं वो ब्रेक हो जाए तो चार्जिंग या रिंगर का प्रॉब्लम भी आ सकती है आपके फ़ोन में, ये भी ध्यान रखना है आपने। इस टाइप से खुल जाएगा हमारा, ये पत्ता खुल गया हमारा साइड वाला वॉल्यूम वाला, पहले हमने खोला था ऑन ऑफ बटन का, अब वॉल्यूम वाला खोल लिया। अब हम नया जो इसका मिडल है वो लेंगे, उस पर इसको अप्लाई करेंगे, ये हमारा नया मिडल आ गया, इसके बाद हमने चार्जिंग बोर्ड फिट कर दिया, इसके ऊपर हम रिंगर जिससे हमारे की साउंड आती है उसको फिट करेंगे इसके ऊपर, ये कर दिया हमने। अब हम इसको अच्छे से कस लेंगे स्क्रू को सहायता से, स्क्रू लगा कर इसको अच्छे से कस लेंगे, कहीं से भी इसको ढीला नहीं छोड़ेंगे, अगर ढीला रहेगा तो हमारे रिंगर में साउंड नहीं आएगा, इसलिए हमें इसको अच्छी तरह कसना है कि प्रॉपर नट सभी लग जाएं, जिससे रिंगर में साउंड भी आ जाए और हमारा जो चार्जिंग बोर्ड है वो भी प्रॉपर वर्क करे। इस टाइप से ये हमारा ऊपर एयर पीस आ गया, जिससे हमें ऊपर से आवाज़ आता है, हम जब किसी बात करते हैं तो एयर पीस से आवाज़ आती है। अब हम मेन बोर्ड को लगा लेंगे साफ़ कर कर, ये लगा लिया मेन बोर्ड, पहले हमने इसका चार्जिंग वो लगाना है, पत्ता लगाना है, ये स्पीकर आ गया, वॉल्यूम पत्ता लगाना है पहले हमने इसका, इस तरह से फिट करेंगे इसको, ये एंटीना वायर होगी हमारी जिसको हम फिट करेंगे, इसमें साइड पे एंटीना वायर जाने के लिए एक कॉलम बना होता है, उसके थ्रू हमने एंटीना वायर को लगाना है, अगर हम ऐसे एंटीना वायर को लगाकर फिट करेंगे जब हम उसकी बॉडी फिट करेंगे तो टूट जाएगी, इसलिए इसको उसमें से ही निकाल के हमें लगाना है, साइड में बना होता है पतला सा एक गैप बना होता है जिसके अंदर से एंटीना वायर घुस जाती है, इस टाइप से हम इसको फिट कर लेंगे, फिट कर लिया। अब हम इसको डिस्प्ले फिट कर ली, बैटरी फिट कर ली हमने, हम पहले चेक करेंगे डिस्प्ले लगाने से पहले कि क्या हमारी डिस्प्ले प्रॉपर वर्क कर रही है, ये ना हम इसको फिट कर दें बाद में डिस्प्ले चले ना और हमें लॉस हो जाए। हाँ डिस्प्ले आ गया, इसको इस तरह से हम चेक कर लेंगे डिस्प्ले को, जब हमारा प्रॉपर वर्क करेगा तो मतलब हमारा डिस्प्ले का चल रहा है तो ओके है, इसमें कोई इशू हमें नहीं आएगा। अब हम चेक करें डिस्प्ले को, वेट करेंगे क्योंकि ऑन होने में थोड़ा टाइम लेता है फ़ोन, थोड़ा वेट करके फिर हम इसको चेक करके फिर हम इसको फिर से हमने इसको निकालना है, फिर साइड पे सिलिकॉन ग्लू लगा कर फिर इसको हमने फिट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल ध्यान से और तरीके से करना है काम, जल्दबाजी करेंगे तो अपना नुकसान करके बैठ जाएंगे, इसलिए थोड़े ध्यान से प्यार से। और दोस्तों चैनल पे अभी नया हूँ तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, अभी इतनी नॉलेज नहीं है वीडियो की, थोड़ी गलतियाँ भी होंगी तो उसके लिए माफ़ कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए, कोशिश करेंगे आगे हम और सुधारें इसको। ये हमारा डिस्प्ले चेक हो गया अच्छे तरीके से, अब हम इसको निकाल लेंगे बैटरी को बाहर, बैटरी बाहर निकाल ली हमने, डिस्प्ले निकाल लिया, अब हम इसको ग्लू लगाएंगे पहले,
अब हम इसको ग्लू लगा लेंगे वाला। ये हम ग्लू उसमें अप्लाई करेंगे अच्छी तरीके से, कहीं से भी कोई जगह छूटनी चाहिए, ग्लू जहाँ जहाँ भी हो अच्छी तरीके से अप्लाई करें इसको। इस टाइप से ग्लू अप्लाई करेंगे। दोस्तों कई बार वीडियो कट जाता है बीच में, इसलिए कि हमें कैमरे फ़ोन को ऊपर उठाना पड़ता है ग्लू लगाने के लिए, तो इसलिए कैमरे के फोकस से बाहर हो जाता है, इसके लिए सॉरी। ये ग्लू लगा लिया हमने, अब हम इसका डिस्प्ले को लगा लेंगे। अब इसको हम डिस्प्ले को फिट करेंगे इसके ऊपर अच्छे तरीके से। तो हम नया हड्डी चेंज करें तो कुछ चीज़ों ध्यान रखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इसमें जो इसको ख़राब कर सकती है, इसलिए अच्छी तरह फिट देख लेंगे उसकी प्रॉपर फिटिंग है या नहीं। इस टाइप से हम उसके डिस्प्ले को फिट कर लेंगे अच्छे तरीके से। हमारा डिस्प्ले हो गया फिट, प्रॉपर फिटिंग देख लेंगे कहीं से कोई ऊँचा नीचा ना रहे, जिससे हमारा कल को डिस्प्ले टूटने का खतरा रहेगा। पत्ते को बैठा कर अब इसकी हम बैटरी फिट कर लेंगे ऊपर से। ये हमारी बैटरी फिट हो गई, हम ऑन करके देख लेंगे कि क्या अब ऑन हो रहा है फ़ोन। अगर तुम्हारा फ़ोन ऑन हो रहा है तो हम इसकी बाकी फिटिंग कर रहे हैं। फ़ोन ऑन है, अब हम इसकी बाकी फिटिंग कर लेंगे। दोस्तों जब ये फिटिंग करना है इसको किसी प्रॉपर प्लेन सरफेस पे रखना है, ऊंची नीवी पे रखेंगे तो टूटने का खतरा रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें इनको ध्यान रखना है। या हम इसका बैक पैनल भी नया डाल रहे हैं, इसका जो कैमरा ग्लास और साइड बटन होते हैं वो उसमें आते हैं पैक पाउच में, उसको फिट खुद करना पड़ता है। उसको अच्छी तरीके से फिट कर लीजिए, जैसे हम फिट कर रहे हैं ऐसे फिट कर फिर हमें इसका बैक पैनल फिट करना है। ऐसे बैक पैनल फिट नहीं होगा इसका। जब हमने फिट कर लिए अब हम इसको बैक पैनल को, इसके ऊपर शील्ड होती है कि उसको लगा लेंगे पहले, जिससे कि ये फ़ोन हीट हीट ना हो, इसलिए ये शील्ड लगती है इसके ऊपर। इसको अच्छी तरह स्क्रू लगा कर फिट कर लेंगे कि फ़ोन कहीं से भी गर्म ना हो इस तरीके से। स्क्रू लगा के अच्छी तरीके से फिट कर फिर हम इसका बैक पैनल फिट कर इसको रबर लगा कर छोड़ देंगे एक दो घंटे के लिए, ये अच्छी तरह से बैठ जाए। हम इसका बैक पैनल फिट करेंगे, इस टाइप से पकड़ेंगे इसको और ध्यान से लगाना है। बैक पैनल नया लगा रहे हैं फर्स्ट टाइम, जो थोड़ा टाइट होगा तो थोड़ा ध्यान से, जिन्हें ज़्यादा जोर लगाएं डिस्प्ले ब्रेक हो जाए। बड़े प्यार से आहिस्ता आहिस्ता फिट करना है इसको, ज़ोर से कर देखो। जो हम फिट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये नया फर्स्ट टाइम लग रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम आती है। इसको बड़े प्यार से लगाना है, कोशिश अगर आपको नहीं नए आप नए हो तो पहले फिट मत करो, पहले डिस्प्ले फिट करके रबर लगा के रख लो, जब सूख जाएगा तो बैक पैनल फिट करो। हमें तो पता है हमें कैसे फिट करना है, इसलिए हम कर रहे हैं। अगर आपको नए हो तो पहले फिट मत करो, पहले आप उसको ग्लू लगा कर छोड़ दो डिस्प्ले को, जब डिस्प्ले आपकी एक घंटा तक सूख जाए उसके बाद बैक पैनल फिट करो, फिर हमारे डिस्प्ले पे इतना जोर नहीं पड़ता है। क्योंकि अभी हमारा डिस्प्ले खुला होता है उस पर जोर जा पड़ेगा। हम तो कर लेंगे पर आपसे शायद ना हो, इसलिए इसका ध्यान रखें मेरे भाई। ये जल्दबाजी में करेंगे तो उल्टा नुकसान करके बैठ जाएंगे। अब हम इसका साइड में सिम ट्रे डाल देंगे, अब हम इसको रबर लगा कर अच्छी तरह फिटिंग कर देंगे कि जिससे हमारा ये प्रॉपर फिट हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो हमें। इस तरह से रबर लगा लेंगे, इस चैनल पे हम रिपेयरिंग का और अनबॉक्सिंग का वीडियो डालते हैं, तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, वॉच कीजिए और कमेंट कीजिए, इससे हम अपने चैनल में सुधार कर सकते हैं कि हमें हमारे में क्या कमी है वो आप लोग मेरे भाई से बताएंगे हमें, तभी हम सुधार कर पाएंगे। इस तरह से हम इसको रबर लगा लेंगे, रबर लगाने के बाद ये फिट हो जाएगा। अब हमें बैक ग्लास लगाना है जो हमारा रह गया था, हम उसको लगा लेंगे। ये देखिए ब्लैक ग्लास हमारा रह गया था, जो नए बॉडी में नया आता है उसको फिट करना होगा हमको, तो हम उसको इस तरह से रबर खोल से खोल कर फिट कर लेंगे। ये हमने फिट कर लिया और ये हमारा वीवो Y71 कंप्लीट फोल्डर और बॉडी चेन का पूरा वीडियो तैयार हो गया। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद जी।